जो जो सब मेरे हिसाब से इजी वो मैं नहीं कराऊंगा, तुम लोग को ही करना पड़ेगा। रिकर्सिव रिलेशन देखो, आओ करा देते हैं। बुकलेट 3 का क्वेश्चन नंबर 4 एक बार देख लो। देखो इसको ना नोटेशन वाइज मत जाओ, हम तुमको बताते हो क्या रहे। ध्यान से देखना, आज मेरे पास कितना रिजर्व है, मैं बात कर रहा हूं टी से टी प्लस वन का, मैं बात कर रहा हूं टी से टी प्लस वन का। तो आज मेरे पास कितना रिजर्व है, 0.468। ठीक है, बोलो हाँ। मेरे को कितना प्रीमियम मिला, 0.017। ठीक है, कुछ एक्सपेंस लगा है क्या, नहीं। ठीक है, तो इन दोनों को मैं एक साल आगे लेके जाऊंगा। ठीक है, एक साल आगे कैसे लेके जाएंगे, 1.03। निकालो कितना आ रहा है, इसमें वो नहीं दिया है, नहीं नहीं सर्वाइव आई गेस 1 रुपया का, 1 मिनट रुकना, क्या चीज 1 रुपीज दिया है ना, 1 रुपीज ये आ रहा है। अब सुनना ये है क्या, मेरे जितना रिजर्व बनाया था वो मेरे को प्रीमियम मिला एंड मैंने उसको एक साल आगे ले गया, तो ये मेरा पता है क्या, फंड्स अवेलेबल एट द ईयर एंड। अब इसको मैं यूज करता हूं पता है किसके लिए, जो लोग भी जिंदा है उन लोगों के लिए तो ईयर एंड रिजर्व बनाऊंगा। कितने परसेंट लोग जिंदा है बताना, 1 माइनस 0.024, मतलब क्या आ जाएगा, 0.9976। ठीक है, प्लस 1 रुपया दूंगा जो लोग मर जाएंगे, तो मरने का प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.024। अब इसको आंसर सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1 रुपए लिए ना पीछे, हाँ कौन सा वाला, हाँ देखो ये मेरा रिजर्व है, प्रीमियम आता है एक्सपेंस जाता है, इसको मैं साल के एंड पे लेके गया। नाउ दिस इज व्हाट फंड्स अवेलेबल एट द एंड ऑफ ईयर। इसको मैं दो चीज के लिए यूज करता हूं, जो लोग भी मर जाते हैं उसको मैं देता हूं सम एश्योर्ड, एंड जो लोग भी जिंदा रहते हैं उनके लिए मैं क्या बनाता हूं, ईयर एंड का रिजर्व। इसको कॉपी कर लो, ये रिकर्सिव रिलेशन है, रिकर्सिव रिलेशनशिप ऑफ रिजर्व्स। सम्स वाला क्लास देखिए, नहीं तो नहीं होगा, ऐसा सब करा दिया उसमें, दिया मैंने बेटा पीएक्स, पीएक्स प्रीमियम होता है। अब अगर ये वाला सम हो गया है तो एक और छोटू सा सम है, क्वेश्चन नंबर 16, वो भी एक बार कर लो ताकि तुम लोग को कंफर्टेबल लगेगा। क्वेश्चन नंबर 16 कर लो एक बार, खुद से बना लीजिए वाला सम। सेम टाइप का करो। अच्छा मेरे को बस खाली इसमें इतना बता दो कि अगर वो इंसान मरता है तो उसको कितना देंगे, क्या बोला है, इस लाइन का मतलब समझना बहुत जरूरी है। रिटर्न ऑफ प्रीमियम्स विदाउट इंटरेस्ट, इस लाइन का मतलब समझना बहुत जरूरी है। रिटर्न ऑफ प्रीमियम्स विदाउट इंटरेस्ट, इसका मतलब पता है क्या है, मैं बात कर रहा हूं 12वां साल का, तो 12वां साल में पहुंचा मतलब 12 बार प्रीमियम ले चुका हूं, 3000 करके 12 बार प्रीमियम लिया मतलब कितना हो गया, 36,000। वेरी गुड, ठीक है करिए।
22 वाला राशि खुद से करना है, कैलकुलेशन बार 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 करना है, तभी समझ में आएगा। एकदम सिंपल है, तीन अलग अलग फॉर्म बना दिया, बस सम बड़ा दिख रहा है लेकिन है नहीं, तीन अलग अलग पार्ट्स में उसको तोड़ना है, तीन अलग अलग पार्ट्स में उसको तोड़ना है। आ रहा है आंसर सेम तरीका से, बहुत छोटा सा आएगा। इस बुकलेट का एक और आखिरी सवाल जो मेरे को लगता है तुम लोग को हल्का सा फ्रिक्शन होगा, वो क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन नंबर 7 का ना कमेंट वाला पार्ट। कौन कौन किया बताओ और किसको डाउट है इसमें? क्वेश्चन नंबर 7 का कमेंट वाला पार्ट, इसी बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 7 का कमेंट वाला पार्ट, पार्ट टू एंड पार्ट थ्री। क्या चीज? हाँ मैं बता रहा हूं। देखो अगर तुम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ लो, पढ़ लो, मैं क्वेश्चन नहीं करूंगा, खाली कमेंट वाला पार्ट डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये किसी में भी लग के आ सकता है। बहुत ही सिंपल सा है, मतलब वेरी 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 सिंपल थिंग इन दिस बुकलेट। देखो ध्यान से बोर्ड पे देखना। अब हम डिस्कस कर रहे हैं, तुम लोगों को कोई क्वेश्चन पढ़ने का दरकार भी नहीं है। देखो पहले क्या बोलता था इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट में बोलेगा, 5000 टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी एंड 5000 प्योर एंडोमेंट पॉलिसी हम लोग बना के बेचे, एंड ये अलग लोगों को बेचे, इसको खरीदने वाले अलग थे, इसको भी खरीदने वाले अलग थे। देखो दो अलग अलग टाइप के लोग हैं, ठीक है। अब फिर क्या बोल रहे हैं, अब फिर क्या बोल रहे हैं, बाद में पता चलता है कि ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये दोनों तो सेम है, ये दोनों तो सेम है। इसका मतलब क्या है कि हर एक आदमी ने एक टर्म इंश्योरेंस लिया है और एक प्योर एंडोमेंट लिया है। तो अगर आपको बाद में जाके ये बात पता चलता है तो दो चीजों का असर, मतलब क्या इफेक्ट आएगा वो पूछा है। पहला है मोर्टैलिटी प्रॉफिट एंड मोर्टैलिटी लॉस पे, एंड दूसरा है वेरियंस ऑफ आउटगो पे। पहला है मोर्टैलिटी प्रॉफिट मोर्टैलिटी लॉस पे, एंड दूसरा है वेरिएंस ऑफ आउटगो पे। तो ध्यान सुनना, जब मोर्टैलिटी प्रॉफिट मोर्टैलिटी लॉस का बात आएगा उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। उसका रीजन मेरे को तुम लोग से जानना है कि क्यों कोई चेंज नहीं होगा। अगर कैलकुलेशन वाइज देखें तो टर्म इंश्योरेंस और प्योर एंडोमेंट का जो रिलेशनशिप है वो तुम लोग की तरह कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बहुत सिंपल है, हमेशा एक प्लस करने से आंसर आ जाता है। चीज समझा? तो तुमने इसका निकाला होगा MPML, इसका निकाला होगा MPML, दोनों को प्लस किया होगा तो कंबाइंड आ गया होगा। अब अगर दोनों को मिला दें और एक साथ निकाले तो भी तो आंसर सेम ही आएगा, बिकॉज ये लोग दोनों का रिलेशनशिप स्टेटस कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, क्या है? सिंपल, एक प्लस करने से आंसर आता है। तो इसमें क्यों फर्क आएगा मेरे को ये जानना है। कोई फर्क नहीं आएगा, समझ में आया बात को? इसी को तुम लोग को इंग्लिश में लिखना है, मेरे को इंग्लिश उतना अच्छा नहीं आता है, इसको इंग्लिश में लिखना है, ठीक है। ये सब मत लिख के आ जाना कि सिंपल है कॉम्प्लिकेटेड, लिखना है कि कोई चेंज नहीं आएगा, बिकॉज ऑल द फिगर्स ADS EDS दे आर ऑल द सेम, ठीक है। अब वेरिएंस ऑफ आउटगो का बात करो, ध्यान सुनना। पहले क्या होता था जब हम लोग इसका बात करते थे, पहले क्या होता था, अगर मान लो कोई आदमी चल बसा, टर्म इंश्योरेंस वाला आदमी अब नहीं रहा, देखो नहीं रहा, ठीक है, तो क्या ऐसा होता था, क्या प्योर एंडोमेंट वाला आदमी को पैसा नहीं देना पड़ता था? ऐसा तो कोई बात नहीं था,
अगर कोई टर्म इंश्योरेंस वाला आदमी नहीं रहा तो प्योर एंडोमेंट वाला तो अभी भी जिंदा है, वो अभी भी पैसा ले सकता है, ठीक है। तो पहले क्या था, वेरी आउटगो का जो स्प्रेड था वो बहुत ज्यादा था, क्योंकि ये दोनों अलग अलग थे, टोटल में 10,000 लोग हो गए थे ना। पहले क्या होता था, अगर कोई टर्म इंश्योरेंस वाला मर रहा है या फिर किसी प्योर एंडोमेंट वाले को दे रहे पैसा, तो इसका यह मतलब नहीं है कि वो जो टर्म इंश्योरेंस वाला है वो पैसा नहीं लेगा, बिकॉज 10,000 अलग अलग लोग थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, सोचो अभी क्या हो रहा है, एक आदमी है उसको दो टाइप का बेनिफिट दिया गया है, क्या दोनों मिल जाएगा ना, कोई एक ही मिलेगा, एक ही मिलेगा। मान लो ये मिल गया तो क्या ये नहीं मिलेगा, राइट। तो स्प्रेड देखो कम हो रहा है, क्यों स्प्रेड कम हो रहा है, अल्टीमेटली आप कितने लोग बच गए हैं, 5,000। अगर मान लो किसी एक को दे रहे हैं, अगर टर्म इंश्योरेंस का बेनिफिट दे रहे हैं, तो ये तो बहुत स्वाभाविक हो गया कि कौन सा बेनिफिट नहीं देंगे, प्योर एंडोमेंट वाला बेनिफिट नहीं देंगे। तो अगर एक से बढ़ रहा है मेरा आउटगो तो दूसरे से कम भी तो हो रहा है। हम बोले टर्म इंश्योरेंस का तो पैसा देना पड़ा, अरे प्योर एंडोमेंट नहीं भी तो देना पड़ेगा। या फिर अगर प्योर एंडोमेंट दे रहे इसका मतलब कौन सा बेनिफिट नहीं दिए होंगे, टर्म इंश्योरेंस वाला। तो वेरियंस ऑफ आउटगो विल बी रिड्यूस्ड व्हेन दीज आर सेम पर्संस। एक्चुअल में देखा जाए तो लोग कम हो गए ना, पहले 10,000 अलग अलग लोग थे। अभी देखो पहले में क्या था ना, मैं ये बोलूं, पहले अगर मेरा दिन बहुत ही ज्यादा खराब जा रहा हो तो 10,000 लोग को अलग अलग क्लेम मिल सकता है, बोलो हाँ। लेकिन अभी कितने लोग को क्लेम मिल सकता है, मैक्सिमम 5,000, लेकिन मिलेगा ही मिलेगा, ये बात समझ के चलिएगा। वेरियंस ऑफ आउटगो इसकी वजह से भी कम हो रहा है कि अभी जो 5,000 लोग है ये तो पता है कि मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन पहले ऐसे सर्टेन नहीं। अरे सर पहले में तो ये भी हो सकता है कि मिले ही ना, अगर मेरा दिन जैसे आज मेरा दिन बहुत अच्छा चल रहा है, अभी तो एक ही दिन छाया है, तो मान लो कि ऐसा दिन बहुत अच्छा चल रहा है, प्योर एंडोमेंट वाला पहले मर गया और टर्म इंश्योरेंस वाला बाद में मर गया, ऐसा हो सकता है ना। तो आउटगो में देखो कितना ज्यादा स्प्रेड है, लेकिन अभी क्या है, देना ही पड़ेगा, लेकिन कब देना है उस पर बात है, तो देना ही देना पड़ेगा, ठीक है। क्या चीज, हाँ वेरियंस कम होगा ना, बिकॉज यहां पर क्या है, अब बताओ कौन बताएगा, श्रुति बताओ, साफ से बताना, बोलो हंस रही हो, बोलो यस, वही क्वेश्चन जो अभी हम बोले हिंदी में उसको बोलने बोल रहे हैं वापस, अरे यही क्वेश्चन जो अभी हम समझाए उसको समझाने बोल रहे हैं। ऑडिट चेक्स, अदिति का तो अभी मुंह में मेरे को पूरा ब्रह्मांड दिख गया, दर्शन हो गए सैटर्न के अभी। हाँ स्नेहा बोलो, स्नेहा हाँ, हाउ इज एमिटी, इट्स गुड, ओके, तुम भी हंस रही हो, एक मिनट स्नेहा बोलेगी, स्नेहा एक ही है ये, स्नेहा को सब आते छोड़ दो, ये भी हंस रही है, गंदा समझाए क्या हम, तुम बोलो शैली, इसका पूरा शैली खोल दो, बोलो जोर से बोलो, तो वाह तुम बोलो अदिति, स्प्रेड ज्यादा क्यों था पहले, क्या चीज का पॉसिबिलिटी था, ठीक है तुम बाबू उठ जा थोड़ा सा, अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा, सो लिया अभी तक ठीक है, अब उठ जा, बोलो तुम बोल, जोर से बोल थोड़ा,
ठीक है, सही बोल रहा है। ठीक है, तो चीज समझ रहे हैं, ये डिपेंड करता है कौन सा इंश्योरेंस कंपनी का दिन कैसा चल रहा है, दिनमान ठीक है कि नहीं है। अगर दिनमान ठीक हुआ तो क्या होगा बताना? टर्म इंश्योरेंस वाले लोग बाद में मरेंगे टर्म खत्म होने के बाद में, और प्योर एंड वाले लोग पहले मर जाएंगे, तो पूरा पैसा अंदर। लेकिन अगर दिनमान ठीक नहीं चल रहा हो, हाँ सब एकदम, तो स्प्रेड ज्यादा है ना, स्प्रेड ज्यादा, तो सर स्प्रेड ही समझ में नहीं आ रहा है, स्प्रेड ज्यादा मतलब, अरे आउटगो का स्प्रेड मतलब, हो सकता है जीरो, देखो मीटर है ये मीटर है, हो सकता है जीरो देना पड़े, तो हो सकता है 10,000 इंटू सम एश्योर देना पड़ जाए, सही बात। लेकिन अभी ये जो मीटर है, ये जो मीटर है बीच में है 5,000 इंटू सम एश्योर, देना ही पड़ेगा, नहीं समझा क्या? अरे देना ही पड़ेगा, क्यों देना पड़ेगा? ठीक है, गुड। क्या चीज? वेरिएबिलिटी हुआ ना आउटगो का, जैसे एक का वेरिएबिलिटी देखो यहां से यहां है, और एक का वेरिएबिलिटी मैं बोल रहा हूं देना ही पड़ेगा, 5,000 इंटू सम एश्योर देना ही पड़ेगा तुमको, वो चीज मैं बोल रहा हूं। ठीक है, स्प्रेड मतलब गैप, जैसे देखो तुम्हारे उसकी वजह से स्प्रेड कम है, तुम्हारे इसकी वजह से स्प्रेड ज्यादा है, मेरे तुम्हारे वजह से स्प्रेड बहुत ज्यादा है। रेंज का बात करिए आप, एंड इसमें क्या अनसर्टेनिटीज बहुत ज्यादा है। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है? वेरिएबिलिटी। अब एक एग्जांपल देते छोटा सा, तुम दो चीज में इन्वेस्ट किया, एक है शेयर में और एक है रिस्क फ्री एसेट में। तो रिस्क फ्री एसेट पता है क्या होता है? 4% सर्टेन बंद गया है, तो इसका वेरिएबिलिटी जीरो होता है। शेयर में इन्वेस्ट किया, हो सकता है -20% हो जाए, हो सकता है +20% हो जाए, तो किसका वेरिएंस ज्यादा होगा? शेयर का। ठीक है, ओके फिर से, हाँ हाँ अभी वही, अभी इसी तुम्हारा, तुम पहले क्यों बोल दिया ये चीज मेरे को, तेरी का अभी तुम देखता तो अभी हम उसी पे आ रहे थे। आइए बुकलेट 4 में आइए, इसी गलत कर देना तुम, अब सबको लगेगा हम देख देख के करा रहे हैं। बुकलेट 4 का 39। आराम से पढ़ो इसको, बुकलेट 4 का 39 आराम से पढ़ो, पढ़ो इसको।
प्रीमियम निकालते टाइम 5 बोनस काएगा, तो कोई बोनस नहीं कोई एक्सपेंस नहीं, जब नेट प्रीमियम रिजर्व निकालेगा तो खाली 5 बोनस। पूजा करेगा नहीं तो नहीं, 5,000 टर्म इंश्योरेंस भी खरीदा, प्योर एंडोमेंट भी खरीदा, तो मतलब हर एक 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 एंडोमेंट इंश्योरेंस खरीदा है। पहले में क्या बोला है, अलग अलग थे। पढ़िए क्वेश्चन, पढ़िए, बात मत करिए।